बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफी से होंगे। ये भाई के पास आऊँ, ये पत्थर के चकले बेलने बनाते हैं जिससे रोटी जो है बेली जाती है और बनाई जाती है किचन वेयर में। किचन वेयर ये तैयार करते हैं तकरीबन सारा। तो अभी ये मार्बल यानी कि सफ़ेद मार्बल वाइट वाला, इसको वाइट मार्बल को कहते हैं, इसका ये बिल्कुल ये चकला बेलना तैयार कर रहे हैं। ये देखें सारी मशीनें रखी हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी दर्जनों के हिसाब से बनाते हैं। माशाल्लाह ये यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म का काम किया जाता है मार्बल का। ये देखें चकला बेलना जो तैयार करते हैं, सबसे पहले इसके साथ ये लगाते हैं, ये बड़ा पीस है, इसको उधर रात पे लेके जाते हैं तो उधर चकला बेलना तैयार करते हैं। ये लेथ मशीन पर लगाते हैं जब, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, मतलब वाश हो जाती है, उसके बाद फाइनल तैयार हो जाती है। ये कुछ चकला बेलना जो ब्लैक मतलब ब्राउन कलर में जो पत्थर है उसका बना हुआ है, वो भी आपको दिखाया मैंने। ये सामने बेलना ये वाइट कलर में इसके बेलने बनेंगे, ये देखें जी, ये बेलना जो वाइट कलर में इसका चकला बेलना तैयार हो जाएगा। और भी काफ़ी पीस बनाए हुए हैं भाई ने, ये देखें जी। ये दूसरी शॉप में रेत मशीन लगी है, उधर चकले बेलने को तैयार कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे तैयार करते हैं, ये देखें जी, ये रेत मशीन लगाई है भाई माशाल्लाह। बहुत ही उमदा किस्म के जो है ना पेपर लगा के तैयार करें, साथ साथ पानी लगा के, बहुत ही अच्छा काम करते हैं भाई। ये देखेंगे भाई साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, चकले बेलने तैयार कर रहे हैं, बहुत उमदा किस्म के एक नंबर काम करते हैं भाई। कह रहे हैं कि हम ऑर्डर पे काम करते हैं जो एक्सपोर्ट माल होता है, तो साफ पानी भी लगा रहे हैं क्लीन करने के लिए। अभी हम दूसरी शॉप में जाते हैं, उधर चेक करते हैं कि भाई जान क्या कौन सा काम कर रहे हैं। ये देखें जी भाई माशाल्लाह, कटर पे जो है ना उसको बना रहे हैं मशीन के लगाने के लिए। अभी इधर देखते हैं, ये छोटी छोटी है लंगरियाँ बनती हैं लेथ मशीन पे, ये लेथ मशीन चल रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज में लंगरियाँ बना रहे हैं भाई जान, लेथ मशीन बिल्कुल बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रही है बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है ये। ये देखिए छोटी लकड़ियाँ बनाई है माशाल्लाह लेथ मशीन पे लगा के, अभी इनको फाइनल करके इधर रखती है माशाल्लाह। ये रात वाली जो लकड़ियाँ पीछे रखी हैं उनको फाइनल करेंगे वाश करके क्लीनर पे लेथ मशीन पे लगा के। सामने आप देख सकते हैं लेथ मशीन चल रही है। ये भाई जान इस लेथ मशीन पे रफ लंगरी तैयार करेंगे, उसके बाद वो दूसरी साइड के जो भाई लगे हैं वो फाइनल इसको तैयार करते हैं। ये देखते हैं अभी लेथ मशीन चल रही है और साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी लग रहा है ताकि लेथ मशीन चलने। भाई जान कितने टाइम में ये बन जाएगी? 5 मिनट लग जाएंगे माशाल्लाह। भाई कह रहे हैं लेथ मशीन पे 5 मिनट लग जाएंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज में जो देखें माशाल्लाह।
ये भाई जान कशीदाकारी कर रहे हैं, ये कब्रें तैयार कर रहे हैं पत्थर की। तो उसके लिए जो मटेरियल बनता है साइडों पे लगाते हैं पर कब्र को तैयार करने के लिए, उसके लिए कशीदाकारी कर रहे हैं। ये डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के बनाते हैं, ये देखें। ये डिज़ाइन भी उसी के साथ का है माशाल्लाह। तो ये आला किस्म के कपड़े तैयार करते हैं और उसके बाद शहरों के कपड़े को तैयार करने के लिए सामान बनाते हैं, वही मार्बल का कपड़ तैयार कर रहे हैं। ये छोटे पीस हैं, ये साथ ही भाई बड़े पीस लगाए हुए हैं, ये भी साथ तैयार कर रहे हैं। ये देखें और कितने डिज़ाइनों में भाई जाना तैयार कर लेते हैं जी, और कितने डिज़ाइनों में तैयार कर लेते हैं ये कपड़े दिन में जी? कभी 10-15 तक हो जाता है। हाँ। माशाल्लाह भाई कह रहे हैं कि 10-15 पीस में तैयार कर लेता हूँ रोज़ाना। माशाल्लाह बहुत हार्ड काम है इसका, बहुत खूबसूरत अंदाज भी काम करते हैं। ये जो सामने मैंने आपको बताया कि कब्र का जो सामान है वो तैयार कर रहे हैं, अभी भाई जो है इधर सामान जो पहले तराश किया उसके अभी पॉलिश कर रहे हैं, ऊपर कलर लगा रहे हैं। क्यों भाई इसके ऊपर अभी फाइनल है कलर? जी फाइनल। माशाल्लाह ये ब्लैक कलर का जो कलर लगा रहे हैं तो अभी बता रहे हैं भाई कि अभी फाइनल है, अभी बिल्कुल इसको जाके कब्र के ऊपर सजा के लगा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े पीस रखे हैं, छोटे छोटे पीस भी हैं और बड़े बड़े पीस यही तैयार करके अंदर भाइयों ने आज दिन में रखे हैं। तो ये देखें बिल्कुल फाइनल तैयार की हुई है। ये सामने देखें जी इस तरह की कब्र तैयार की जाती है डिज़ाइन में तराश के। तो कब्र के इर्द गिर्द सजावट के लिए कब्र को तो इस तरह का मटेरियल तैयार करते हैं इधर। ये फाइनल कब्र तैयार की है इन्होंने, तो इस तरह का डिज़ाइन किया, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते रहते हैं। क्या हाल है बाबा? ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह बुज़ुर्गों ने कितना कशीदाकारी की है, बहुत खूबसूरत अंदाज में साथ नाम लिखे हैं और अभी भी कशीदाकारी कर रहे हैं पत्थर पे बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह। माशाल्लाह बाबा कितना अर्सा हो गया तो काम करते हैं? 40 साल। बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि मुझे 40 साल हो गए इस काम को करते हुए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तजर्बा है, सारी उम्र गुजरी है बुज़ुर्गों की। माशाल्लाह हर तरह की इनकी यहाँ तख्ती तैयार की जाती है नाम की। ये देखें ये और तख्तियाँ भी तैयार की हुई हैं बाबा जी। माशाल्लाह ये बड़ी बड़ी तख्तियाँ भी हैं और छोटी भी तैयार की हैं। अपना काम है या मजदूरी पे काम कर रहे हैं? आपका अपना काम है यानी कि आप शौक से काम कर रहे हैं सारा? 40 साल हो गया आपको काम करते हुए माशाल्लाह। अंदाज में नाम लिख रहे हैं। इसी साथ मुझे इजाज़त अगले ब्लॉग के लिए देते हैं कि अगले ब्लॉग में आपके लिए अल्लाह।